हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम ये चोली कान्हा जी का चोली बता चुके हैं। कान्हा जी का चोली बताने के बाद अब हम घेरा बतलाएंगे। देखिए, घेरा हम इस तरीके से बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम 15 फंदों से शुरू किए हैं। 15 फंदा से शुरू करने के बाद में बुनते हुए सबसे पहले हम इस चीज़ को बुन लिए हैं। इस चीज़ को पूरा यहाँ तक बुन लिए हैं। बुनने के बाद में फिर यहाँ से हम उठाए हैं, इस स्थान से उठाकर यहाँ से यहाँ तक बुन कर कम्प्लीट किए। इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं दूसरा, और यहाँ बुन कर कम्प्लीट किए। इस तरह से ये कान्हा जी का घेरा कम्प्लीट हो गया है। सबसे पहले आइए हम 15 फंदा यहाँ पर उठा लेंगे, यानी 15 चेन हम ले लेंगे। 15 चेन लेने के बाद में 15 चेन ले लेने के बाद में अब हम इस पे एक बार एक चेन पे एक डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब अगला में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरे लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए, इस तरह से ये घेरा बनकर कंप्लीट हुआ है। अब हम इसे पलट लिए। पलटने के बाद 1 2 3 तीन चेन ले लेंगे, और फिर से इस स्थान पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे सबसे पहले, फिर दूसरा करेंगे। ये हो गया। अब हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर से 1 2, 2 चेन ले लिए, एक छोड़कर अगला से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2। अगर आपको घेरा ज़्यादा करना है तो 3 चेन ले सकती हैं, जैसे कि 3 चेन ले लेते हैं घेरा अधिक करने के लिए। और एक चेन बीच करते हुए बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाए, फंदे लिए, एक चेन छोड़कर अगला से हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें घेरा को और बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए देखिए, 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे। एक दो तीन, 3 चेन ले लिए, फंदा लेंगे। फंदा लेने के बाद में ये बीच से हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर से 1 2 3, और यहाँ ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है ठीक इसके बीचों बीच से, यहाँ से हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया गया, और बीच से भी एक डबल क्रोशिया आ गया। इसी तरह से करते हुए हम पूरे इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, हमें यहाँ बीच से उठाना है, एक डबल क्रोशिया यहाँ से कर लिए। फिर से 1 2 3, अब हमें डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर से हुक को डालकर फंदा इस तरह लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम बढ़ाते हुए, जाली को बढ़ाते हुए बुनकर इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे देखिए, इसका गोलाई इसका कुछ इस तरह से आएगा। गोलाई में इसे कंप्लीट किए।
अब इसे हमें सात जाली बनाना है, एक दो दो जाली बन चुका है, सात जाली बनाना है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, जहाँ आपको लगने लगे कि घेरा यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम उसी तरह करेंगे। जैसे एक के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया देंगे और बीच से एक डबल क्रोशिया निकाल देंगे तो घेरा आपका यहाँ पे फैल जाएगा। तो इस तरह से हम करते हुए सबसे पहले इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप जितने बड़े कान्हा जी का पोशाक बना रही हैं, ये 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी का पोशाक है, तो इसमें हम 7 लाइन इस तरह से बना लेंगे, यानी 7 जाली हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट करने के बाद में अब हमें यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम खुला इस तरह छोड़े हैं, यहाँ ला कर जोड़े। अगर आप इसे ज़्यादा खुला छोड़ना चाहती हैं छोड़ सकती हैं। इस पे हम थोड़ा सा खुला छोड़े हुए हैं, खुला जहाँ छोड़े हुए हैं वहाँ पे हम जो दूसरे दूसरा जो कलर है उस कलर से यहाँ आउटलाइन दे देंगे। अब इसके बाद देखिए ये चीज़ बनाने का तरीका, हम दूसरे ऊन से यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरह से, एक एक तरफ से जोड़ते हुए, जैसे कि यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। इसे जोड़ लिए, अब इसी स्थान से हम फूल बनाना शुरू करेंगे। दो तीन, तीन चेन हो गया, दो डबल क्रोशिया हो गया, दो चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, एक और ये रहा दो। इसके बाद हम दो चेन ले लेंगे, एक दो, दो चेन लेने के बाद यहाँ पे लाकर इसे बंद कर देंगे, यानी बंद नहीं करना, हमें एक डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन लेंगे, एक दो, और यहाँ पे लाकर उसी फूल को हम बनाएंगे, एक दो, दो चेन, और दो और डबल क्रोशिया, यानी दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, फिर से हम दो चेन ले लेंगे, एक दो। अब इसके आगे यहाँ पर लाकर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर से दो चेन लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें जोड़ना नहीं है, अगर आप जोड़ना चाहती हैं तो कुछ दूरी से, यानी इस इतना दूर छोड़कर उसके बाद आप जोड़ें, यहाँ से भी आप जोड़ सकती हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हमें जोड़ना नहीं है। तो ये गोलाई में बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये एक लाइन में बनकर इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे दूसरा लाइन बनाना इस पे शुरू करेंगे। फिर से हम एक यहाँ बीच पे ले जाना होगा आपको, बीच में ले जाने का तरीका इस तरह से, और ये इस तरह से बीच में आ गया। अब हम यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे दो डबल क्रोशिया था, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, अब अभी हमें करना है तीन डबल क्रोशिया, दो और ये रहा तीन, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर से तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, इसके बाद एक दो, दो चेन ले लिए। फिर यहाँ पे ठीक ये इसके ऊपर पे जो डबल क्रोशिया हम एक किए हैं, एक डबल क्रोशिया जो बनाए हुए हैं ठीक उसके ऊपर पे हमें ला के यहाँ इसे एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। फिर से एक दो, दो चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक दो तीन, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया और एक दो तीन, ये हो गया। यानी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो दो डबल क्रोशिया हम बुन रहे थे दो ना बीन कर तीन बीनेंगे।
और अगर जब हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, अगला लाइन बुनेंगे तो यहाँ पे इसे दोनों को जोड़ देंगे हम, जोड़ते हुए इसके बाद हम बुनाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे सबसे पहले हम इसे यहाँ से यहाँ लाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए इसकी गुलाई हम लाकर यहाँ तक कंप्लीट किए हैं, दो बार बुन चुके हैं, एक और एक दो। अब इसे यहाँ लाकर हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ तीन चेन हम ले लिए। तीन चेन लेने के बाद में इसे हम इस तरह से मिलाएंगे। अगर हम मिलाएंगे तो देखिए अगर चेन आना चाहिए तो इस स्थान से आना चाहिए डबल क्रोशिया, ये और ये भाग, दोनों भाग को हम ले लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले तो फंदा लेंगे, एक फंदा, और यहाँ दोनों इस तरह से लेंगे और फंदे को निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, हो गया। अब एक दो 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 चेन लिए, यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे, यहाँ पर लाके जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए बन गया। यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ आ गया और आपका ये भी जुट गया। अब हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसे खुला रखे हैं, जो कि हम दूसरे कलर के ऊन से इसे आउटलाइन इसका बना लेंगे, मिड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें अब गोलाई से करते हुए यहाँ आगे हमें बढ़ते चले जाना है। इस तरह से देखिए सबसे पहले इस ऊन को हमें इस स्थान पे लाना होगा, उसके लिए ये एक बार, ये दो और ये रहा तीन, फिर से तीन चेन ले लेंगे। अब इसी चीज़ को हमें बनाते चले जाना है। जैसे कि देखिए दूसरा बनाने के बाद में ये जो हम दूसरा बना लिए, दूसरा में यहाँ पे हम दो दो बार दिए थे क्योंकि ये चीज़ का ज़्यादा था घेरा, इसलिए दो दो बार दिए हुए थे, दो बार फिर दो बार, लेकिन इस बार हम तीन तीन बार दे चुके हैं। अगला में भी हमें तीन देना है या चार देना, ये आप घेरा के ऊपर निर्भर करता है कि घेरा कितना फैला है। जैसे कि इस पे देखिए, इस पे हम कितना बनाएं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस यहाँ पे निकाले हुए हैं हम, और इस पे कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी दो फूल कम है। तो जब दो फूल कम है तो हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया ले लिए हैं, आपको दोनों तरीका से बतला रहे हैं। तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे हम दूसरे लाइन में ही ले लिए हैं। अब तीसरे लाइन में हम चार डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से एक डबल क्रोशिया हो गया, ये रहा दो, ये रहा तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन और ये चार, ये हो गया। फिर से हम एक दो दो चेन लेंगे और यहाँ इसे लाकर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर से दो चेन लेंगे और फिर से चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, फिर दो चेन लेंगे, फिर चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जोड़ पड़ा है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ लाते हुए दो चेन लेते हुए यहाँ इसे जोड़ देंगे, तो ये तीसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चौथा लाइन में हमें क्या करना है, देखिए जब लास्ट लाइन पे हम आएंगे तो हमें मात्र दो डबल क्रोशिया करना है, दो डबल क्रोशिया, तीन चेन, इस बात को ध्यान में रखें, दो डबल क्रोशिया,
चार चेन रख लें, दो डबल क्रोशिया, चार चेन, दो डबल क्रोशिया, और इस स्थान पे तीन डबल क्रोश, तीन चेन, एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, चार चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर से तीन चेन, एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, इस तरह से बनाते हुए हम लास्ट लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी से देखिए यहाँ पे लाके हमें जुड़ना है। जुड़ने के लिए दो चेन ले चुके, ये डबल क्रोशिया में यहाँ से एक डबल क्रोशिया कर लिए, दो चेन लेंगे और इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। अब इस धागे को हमें बीच में ले जाना है, तो बीच में ले जाने के लिए बीच में चला गया। अब हमें यहाँ पे एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन ले लिए जो कि एक डबल क्रोशिया का काम करेगा, फिर से फंदे लेकर एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें चार चेन लेना है, एक दो तीन चार, फिर से दो डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे तीन चेन लेना है, एक दो तीन, फंदे लेंगे, फंदे लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से तीन चेन लेंगे, तीन चेन, और यहाँ पे चार, दो डबल क्रोशिया सबसे पहले करेंगे, एक दो, फिर से चार चेन लेंगे, चार, फिर दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो। तो देखिए लास्ट में हमें इस तरह से बुनकर कंप्लीट इसे करना है। सबसे पहले दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और लास्ट में दो, यहाँ तीन चेन, यहाँ भी तीन चेन, बीच का चेन जो रहेगा वो चार रहेगा। इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लिए। और अगर आपके पास घेरा अधिक है, यानी कि ये चीज़ का मात्रा, ये जो फूल बना है ये फूल का मात्रा 10 है, तो फिर आप यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, अगला लाइन में भी दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, उससे अगला लाइन में तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, और लास्ट लाइन में तो जैसा कि हम बतला रहे हैं उसी तरह लास्ट लाइन में होगा। तो ये लास्ट लाइन का कंप्लीट कर लेंगे हम। इसके बाद ये आउटलाइन जो वाइट कलर से हम दिए हुए हैं, और ये दोनों को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए इसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरे कलर के ऊन से आउटलाइन इसका बनाएंगे, फिर ये चीज़ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बनाने के लिए ऊन आप जो भी कलर लेना चाहती, हम इस कलर के ऊन से बना रहे हैं, वाइट एक में दे चुके हैं। देखिए यहाँ से हम इसे दोनों को साथ में भी जोड़ सकती हैं, और नहीं तो फिर एक सिर्फ नीचे का भाग उसे भी जोड़ सकती हैं। यहाँ से हम जोड़ते हैं इस तरह से। यहाँ से एक फंदा लेंगे, दोनों को एक साथ गिराते हुए इस तरह से चले आएंगे। ये हो गया, फिर से ये कोना पे हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पे कोना है, यहाँ कोना है, तो कोना पे हमें क्या करना है, एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे और फिर से इसी स्थान पे एक और हम बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर ये हो गया, प्रत्येक चेन से अलग अलग, प्रत्येक चेन से हम बनाते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए इसे कंप्लीट कर लिए, ये यहाँ पर और ये गोलाई। अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ किसी भी जगह से आप शुरू कर ले ऊन को जोड़कर।
यहाँ से हम शुरू किए हुए हैं, एक हो गया, एक बार और हम देंगे सबसे पहले, ये तो जोड़े थे, ये एक बार आ गया। अब चार चेन देंगे, एक दो तीन चार, और ये दोनों में से डालते हुए इसे इस तरह से निकालेंगे। देखिए ये इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे इसे लाकर इसे इस तरह से बंद कर देंगे। ये हम और भी पोशाक में बतला चुके हैं। फिर से हम इस तरह से हुक को डालेंगे और दोनों को एक साथ गिरा दिए, चार चेन लेंगे, एक दो तीन चार, बीच से इस तरह से निकालेंगे यहाँ पे, ये दो बन गया। फिर से बनाएंगे, चार चेन लेंगे, इस तरह से ये तीन बन गया। हमें यहाँ पे चार है तो छः बना ले बीच में, या आठ बना ले, एक दो तीन चार, उस पे हम पांच बनाए हुए हैं बीच पे। चार, एक दो तीन चार, और फिर से इसे पांच हो गया। देखिए यहाँ पे पांच हो गया। अगर आप पांच चाहती है पांच बना ले, छः चाहती है छः बना ले, ये आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप कितना देना चाहती हैं। छः देते हैं हम, दो तीन चार, ये यहाँ इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से बंद करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हमें यहाँ लाना है, एक दो तीन चार, तीन हम लिए हुए थे लेकिन इस वक्त हम चार लेंगे। चार लेने के बाद में यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे निकालेंगे और एक यहाँ भी बना लेंगे हम, एक दो तीन चार, ये इस तरह से बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अगर कम पड़ रहा है यहाँ का चेन, तो आप चेन बढ़ा सकती हैं। एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन हम कर दिए इस वक्त, यहाँ पे चार था यहाँ पाँच किए। अब देखिए पाँच करने के बाद ये इस तरह से बनाएंगे, एक दो तीन चार, दोनों को इस तरह से लाएंगे यहाँ पे, ये कर देंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद में फिर हम अगला जो उठाएंगे, ये तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जो हम अगला उठाएंगे वो एक दो तीन चार, चार यहाँ पे ये इस तरह से आ जाता है, तो हम इस स्थान से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, एक दो तीन, तीन के बाद से हम इसे उठा लेंगे। यहाँ से उठाते हुए ठीक इसी चीज़ को बीनते हुए हम एक और यहाँ पे गोल कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि इस पे है, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद में एक दो तीन, देखिए यहाँ पे ध्यान दें, एक दो तीन, तीन छोड़कर चौथा में से हम यहाँ बनाए हुए हैं, एक यहाँ देखिए यहाँ डबल क्रोशिया है, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन लिए हुए हैं यहाँ पे और एक डबल क्रोशिया किए हैं, और फिर से दो चेन लेने के बाद दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया करते हुए इसे पूरे गोलाई में हम कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट करने के बाद में इसका जो संख्या है ये आप बढ़ा भी सकती हैं अपने पोशाक के अनुसार। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः लाइन में हम पूरा यहाँ कंप्लीट किए हुए हैं। तो स्टार्टिंग का जो लाइन था ये दो डबल क्रोशिया से है, और इसके बाद का जो लाइन था वो तीन डबल क्रोशिया से है, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया, और जो लास्ट में हम आएंगे वहाँ पे पाँच डबल क्रोशिया कर देंगे। पाँच डबल क्रोशिया, दो चेन, पाँच डबल क्रोशिया, यहाँ पर तीन चेन, एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर पांच डबल क्रोशिया, इस तरह से करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। और ये चीज़ जो यहाँ लास्ट का जो है ये तो हम अभी आप लोगों को बता दिए हैं। और ये आउटलाइन जो करना है, ये आउटलाइन देखिए यहाँ पे कैसे किए हैं लास्ट का। लास्ट में यहाँ हम चार लिए थे चेन बीच का, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हम लिए यहाँ पर, आठ बनाए हैं, और इस स्थान पर हम पाँच चेन लिए हुए हैं। पांच चेन लेने के बाद यहाँ पे हम ये फूल को नहीं बनाए हैं, और
सीधे केवल यहाँ पे हम बंद कर दिए हैं, बंद करके पांच चेन लेकर फिर हम यहाँ से इसे बनाना शुरू कर दिए हैं, बस इतना ही इस पे अंतर है। तो इस तरह से ये ड्रेस आपका बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।